कबड्डी कोर्ट 10 मीटर चौड़ा और 13 मीटर लंबा होता है। मिड लाइन कोर्ट को दो हिस्सों में तकसीम करती है। रेडर का बॉल लाइन को टच करना जरूरी है। ये मिड लाइन के बाद पहली लकीर होती है। बॉल लाइन के बाद बोनस लाइन होती है। अगर रेडर इसको टच करने में कामयाब हो जाए तो उसे एक पॉइंट मिलता है। कोर्ट के दोनों जानेब एक एक लॉबी होती है जिसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। ये प्लेइंग फील्ड का हिस्सा तब तक नहीं होती जब तक के रेडर और डिफेंडर में कोई कॉन्टेक्ट ना हो। रेडर मुखालिफ टीम के कोर्ट में कबड्डी कहते हुए दाखिल होता है और उस टीम के एक या एक से जायद खिलाड़ियों को टच करने की कोशिश करता है। सक्सेसफुल रेड, एक कामयाब रेड वो होता है जिसमें रेडर मुखालिफ टीम के एक से जायद खिलाड़ियों को टच करने के बाद अपने कोर्ट में वापस आ जाए। अगर मुखालिफ टीम के डिफेंडर रेडर को मिड लाइन से पहले ही पकड़ ले, उनकी टीम को एक पॉइंट मिलता है। हैंड टच, जब रेडर अपने हाथ से मुखालिफ टीम के डिफेंडर को टच करे तो ये हैंड टच कहलाता है। टो टच, जब रेडर अपने पैर के पंजे से डिफेंडर को टच करे तो ये टो टच कहलाता है। बैक किक, रेडर अपने पीछे खड़े हुए डिफेंडर को अगर किक मारे तो ये बैक किक कहलाती है। बोनस पॉइंट, रेडर डिफेंडर को टच करने से पहले अगर बोनस लाइन को टच करे तो उसे एक अजाफी पॉइंट दिया जाता है। सुपर रेड, अगर किसी भी रेड में रेडर 3 या 3 से जायद पॉइंट्स हासिल करे तो ये सुपर रेड कहलाता है। ये पॉइंट्स एक से जायद डिफेंडर्स को टच करने या बोनस लाइन को टच करने के बाद भी हासिल किए जा सकते हैं। थाई होल्ड, जब डिफेंडर रेडर को उसकी टांग के ऊपर वाले हिस्से से पकड़े तो ये थाई होल्ड कहलाता है। एंकल होल्ड, जब डिफेंडर रेडर को उसके टखने से पकड़कर रोक दे तो ये एंकल होल्ड कहलाता है। डैश, डिफेंडर जब रेडर को धक्का देकर कोर्ट से बाहर निकाल दे तो इसे डैश कहते हैं। ब्लॉक, जब डिफेंडर रेडर और मिड लाइन के दरमियान खड़ा हो जाए और रेडर को रोकने में कामयाब हो जाए तो इसे ब्लॉक कहते हैं। सुपर टैकल, जब डिफेंडर की टीम में 3 या उससे कम खिलाड़ी मौजूद हों और वो रेडर को रोकने में कामयाब हो जाए तो उसे सुपर टैकल कहते हैं। एम्प्टी रेड, जब रेडर मुखालिफ टीम के कोर्ट में किसी भी खिलाड़ी को टच न कर पाए और अपने कोर्ट में वापस आ जाए तो उसे एम्प्टी रेड कहते हैं। डू आर डाई रेड, एम्प्टी रेड के बाद रेडर के लिए पॉइंट हासिल करना जरूरी होता है। अगर वो पॉइंट ना ले पाए तो खेल से आउट हो जाता है और मुखालिफ टीम को एक पॉइंट हासिल हो जाता है और उनका एक खिलाड़ी जो के आउट था उसको रिवाइव कर दिया जाता है।